नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। आशा है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई भी आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो आप इसमें शुरुआत में बता दिया करेंगे तो मैं आपके कमेंट्स देख लिया करूंगा और उनको सॉर्ट आउट करवा दिया करूंगा, ठीक है ना। अगर आप बीच बीच में अगर आप पूछेंगे कुछ, तो जो भी आपकी परेशानियां हों, जिस तरह की भी आप शिकायत करना चाहें, वो पहले 2-3 मिनट में कर दिया करें। और एक दो नंबर, ये जो नंबर डला हुआ है 9669661365, इस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया करें। यही किया करें आप, जो भी परेशानी है उनका शुरू में ही निराकरण करवा लिया करें, अगर कुछ है तो। नहीं है तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, जैसा भी है। मैं चाहता हूं कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना रहे, क्योंकि दुनिया आगे भले ही ऑफलाइन क्लासेस खुल जाएं, आगे चल के 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी ऑफलाइन क्लासेस खुल जाएंगी तब भी ये ऑनलाइन की दुनिया चलती रहेगी और हमें धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हमारा बहुत समय बचाती है, हमारा पैसा बचाती है और सुविधाएं हमें ऑफलाइन से ज्यादा मिलती है, क्योंकि टीचर आपकी डायरेक्ट समस्याएं सुन रहा है, आपके डाउट डायरेक्ट क्लियर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें ठीक है, ऑफलाइन के कंपैरिजन में ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज अपनी कहानी। देखें, अरे पंकज, तूने ये क्या किया? ये कौन सा है? नहीं, मैंने पहले कल पढ़ाया नहीं है बेटा। कल मैंने ये क्वेश्चन लिखे थे आपको, तो मैं पहले आपको इनको इन क्वेश्चंस को समझा दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन मैं एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है ना। पहले मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ये मेरे पास ये है। पहले मैं इस प्रश्न की बात करता हूं कि हमारे पास प्रश्न है फैक्टोरियल 12 अपॉन ए 6, यानी ये क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टोरियल 12 अपॉन 6 टू द पावर n। तो यहां आपसे कहा है n का अधिकतम मान क्या आएगा, यहां कहा है n का अधिकतम मान क्या आएगा। तो मेरे साथियों, इसमें जो 6 है, ये जो 6 है इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के बारे में तोड़ेंगे, तो ये कितना आएगा, यानी 1 2 मिल जाए और 1 3 मिल जाए तो 6 बन जाता है। तो साथियों, ये लिखा हुआ है हमारा फैक्टोरियल 12 का मतलब क्या होगा? तो मेरे भाई, फैक्टोरियल 12 का मतलब जो आएगा वो कितना आएगा, आपने कहा 1 2 3, और ये कहां तक जाएगा मेरे भाई? तो ये जाएगा 12 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टू। तो भाई इसमें नंबर ऑफ टू देखेंगे तो 6, फिर देखेंगे तो 3, और फिर देखेंगे तो 1। तो यहां आ जाएगा 6 और 4 10, यानी नंबर ऑफ टू आ जाएंगे 10। और नंबर ऑफ टू कितना आएंगे, नंबर ऑफ थ्री कितने आ जाएंगे मेरे भाई? तो नंबर ऑफ थ्री की जो वैल्यू देखेंगे तो 3 गुना 4 12, और 3 गुना 1 3, तो ये नंबर ऑफ थ्री आ गए, ठीक है भाई। ये नंबर ऑफ थ्री आ जाएंगे हमारे पास 5, और नंबर ऑफ टू आ जाएंगे हमारे पास कितने, 10। नंबर ऑफ टू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो नंबर ऑफ टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। आप समझ लें, मैं ऐसी आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। तो भाई आप देखेंगे कि अगर मैं ये कहूं कि ये लिखा हुआ है 2 की घात 10 और ये लिखा हुआ है 3 की घात 5, तो आपने कहा इससे कितने 6 बनाए जा सकते हैं, तो आपने कहा 2 की घात 5
और ये लिखा हुआ है 3 की घात 5 और इसको अलग ले गए 2 की घात 5। देखिए ये 10 तो हो रहा है, कोई बात नहीं। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये आएगा 2 गुना 3 की घात 5, यानी ये आ जाएगा हमारे पास कितने, तो 6 की घात 5। और इनटू में ये 2 की घात 5 चल रहा है, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब ये 6 नहीं बना सकता। 6 बनाने के लिए इसको किसका सहारा चाहिए? अगर इसको 6 बनाना है 2 को, तो इसके लिए 3 चाहिए, जबकि हमारे पास कुल मिलाकर 3 के फैक्टर कितने हैं, 5। 3 में मिलेगा, फिर 6 में मिलेगा, फिर 9 में 2 मिल जाएंगे और फिर 12 में मिल जाएगा। इस तरीके से 5 3 मिलेगी, तो 5 3 है वो 5 2 के साथ मिलके 5 बार 6 बना लेते हैं। यानी आप यहां कहेंगे कि एन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरे भाई, एन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 5। यानी कितने बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे एन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 5। साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार प्रयास करेंगे। देखिए अब मैंने इसी में लिख दिया कि ये क्वेश्चन लिख दिया कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 126 और डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर n। तो फिर आपसे कहा है कि n का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, आपसे क्या पूछा है, n की मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो साथियों अगर आपसे कोई कहता है कि कितने 6 बनेंगे, कितने 6 बनेंगे, कितने 6 बनेंगे, कितने 6 बनेंगे मेरे भाई, तो अगर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ हमारे पास 2 की घात 3 और ये लिखा हुआ है 3 की घात 1, तो केवल एक ही 6 बनेगा, क्योंकि छोटी पावर कितनी है, 1। आपने कहा ये लिखा हुआ है 2 की घात 12 और 3 की घात लिखा हुआ है 25, कितने 6 बनेंगे, तो छोटी पावर कितनी है हमारे पास, ये तो इस 6 टू द पावर 12। अगर मैंने कहा कि 2 की घात लिखा हुआ है 200 और 3 की घात लिखा हुआ है हमारे पास मान लीजिए 50, तो कितने 6 बनाएगा, तो 6 बनेगा हमारे पास। छोटी पावर कितनी है मेरे भाई, तो छोटी पावर हमारे पास कितनी है, तो छोटी पावर है हमारे पास कितनी, ये इस तरीके से हम देखेंगे। तो साथियों अगर हम इस तरीके से देखेंगे, तो आपने कहा n का अधिकतम मान क्या होगा, यहां हमने कहा कि हमें n की अधिकतम वैल्यू चाहिए, n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मेरे भाई आप देखेंगे जिस तरीके से हम 2 और 5 को ढूंढ रहे थे, और बाद में हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि जब लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की संख्या, 2 के फैक्टरों की संख्या 5 के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्या कारण है, मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके से कोई रास्ता है, अब आपने कहा कि ये 2 का पेड़ है वो हर 2 किलोमीटर पे मिल रहा है, और ये 5 का पेड़ है वो हर 5 किलोमीटर पे मिलेगा। तो यानी ये जो मिलने वाले हैं, ये क्या है कि यहां से यहां तक एक ही मिला है, ये यहां से पहला मिला, फिर ये दूसरा मिला, फिर ये तीसरा मिला, इस तरीके से क्या है ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो 2 के फैक्टर ज्यादा मिलते हैं 5 के कंपैरिजन में। ठीक उसी तरीके से यहां भी आप देखेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ 2 के फैक्टर क्या आएंगे, तो मैंने यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 6 और ये 3, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 3 और ये 1, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 15 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ जाएगा। मेरे साथियों अगर ये इतना आ जाएगा, तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं, तो आपने का कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 और 1 4, 4 और 5 कितना आएगा, यानी जोड़ दिया तो 7 और 3 10, 1 ये भी है, तो ये 7 और 3 10 और 11, 11 और 5 16, 16 1 17, 17 और 3 कितना आ जाएगा, तो 20 हो रहा है मुझे लग रहा है। अब आपने कहा 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, तो मुझे लग रहा है ये इतना हो रहा है 120। आप एक बार फिर जोड़ लेना कि ये आ रहा है हमारे पास 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, और फिर 2 आ गया। आपने कहा 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12, इस तरीके से आ गया। हमने कहा 3 के फैक्टर कितने बनेंगे मेरे भाई, तो 3 के फैक्टर और देख लो आप, तो ये आ जाएगा 3 गुना 4 12, 3 दूने 6। फिर आप कहेंगे 3 गुना 1, 3 गुना 4 12, फिर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया इसको तो ये आएगा 3 गुना 4 12, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 गुना 3 42, 56, 56 और 5 कितना आएगा, मुझे लग रहा है ये आ रहा है 61। तो साथियों हमारे पास ये आ गया 2 की घात 120 और ये आ जाएगा 2 की घात 61। तो साथियों कितने 6 बनेंगे, तो 6 की घात 61 बन जाएगा, क्योंकि छोटी पावर कितनी है,
तो छोटी पावर हमारे पास 61 है। छोटी पावर कितनी है? 61 है। छोटी पावर हमारी 61 है, ये आप गलती कर रहे हैं। आप देखेंगे ये कितना आएगा, 14 गुना 3 42, 56, 56 और 60 और 61 आ रहा है, 61 आ रहा है बेटा। गोविंद आपका 64 आ रहा है, तो गलत आ रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर इस तरह का कोई और क्वेश्चन आता है कि आपसे ये पूछता है कि ये लिखा हुआ 157 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर n, तो मेरे भाई हमने लगातार 3 क्वेश्चनों में देखा, यहां हमने 6 की संख्या देखी कि कितने 6 बनेगी, तो जितने छोटी पावर और उतने 6। आपने इसके बाद वाले प्रश्न में देखा कि कितने 6 बनेंगे, तो आपने कहा जितनी 3 की पावर, जो छोटी पावर कौन सी है ये है, तो उतने 6 बन गए। अब अगर मैं आपसे कह देता कि ये लिखा होगा हमारे पास 157, ये लिखा होगा 157 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6, तो मैं आपसे पूछता हूं कितने 6 बनेंगे, तो हमें सीधे सीधे 3 को देख लेना है कि 2 के कंपेरिजन में 3 हमें कम मिलता है। 2 के कंपेरिजन में हमें कैसे पता चलेगी बेटा, कैसे पता चलेगी? आप बेटा ये अरुण पूछ रहा है कि हमें मिनिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी। देख भाई, आप यह देखेंगे कि ये हमारे पास कोई भी कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। मेरे बेटा आप तो आज यहां तो मेरे से किसी भी तरह के प्रश्न कर सकते हो, लेकिन अगर आपका दिमाग इतना कमजोर है तो आप परीक्षा में पास कभी नहीं हो पाएंगे। यहां आप देखेंगे 2 का फैक्टर यहां मिलेगा, 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 यानी 2 का फैक्टर अल्टरनेटिवली मिल रहा है, लेकिन 3 का फैक्टर कहां मिल रहा है? पहले यहां मिला, फिर यहां मिला, फिर यहां मिला। तो भाई आप देख रहे हैं कि 2 का फैक्टर एक संख्या छोड़ के मिल रहा है, जबकि यानी 2 की अगर मैं ये कहूं कि हर 2 किलोमीटर पर, मान लीजिए हर 2 किलोमीटर पर ये बैठे हुए हैं, हर 2 किलोमीटर पर ये बैठे हुए हैं, जबकि ये कहां है कि पहला यहां मिला है, फिर यहां मिला है, फिर यहां मिला है। तो मेरे भाई ये छलांग छोटी छोटी है, यानी जल्दी जल्दी लग रही है, तो इनकी संख्या ज्यादा होगी, और इनकी संख्या क्या है? कम है, क्योंकि ये 3 के फैक्टर है, ये 3 का फैक्टर है, ये 3 का फैक्टर है। तो ये आप बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हर एक इवन नंबर में 2 मिल जाएगा, और हर एक इवन नंबर में 2 मिल जाएगा, और तो आपने कहा कि हर एक इवन नंबर में 2 मिल जाएगा, तो 2 की संख्या ज्यादा मिल जाएगी किसी और के कंपैरिजन में। 3 मिलेगा तो 3 संख्याओं के बाद मिलेगा, 3 संख्या, हर तीसरी संख्या मिलेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां हमें देखना था, तो हमने कहा कि 2 है और 3 है, अगर 2 है और 3 है तो आपने कहा सबसे पहले मैं 3 की संख्या देखूंगा, तो 157 है, और इसमें मैंने देखा कि 3 कितने हैं, तो 5 गुना 3 15 और 3 दूने 6, 5 गुना 3 15, 3 दूने 6, फिर 3 से कैंसिल कर दिया तो 17 गुना 3 51, फिर 3 से कैंसिल कर दिया तो 5 गुना 3 15, फिर 3 से कैंसिल कर दिया तो इतना। तो मेरे भाई इसमें अगर मैं 3 की संख्या देखूं तो कितना हो गया, तो ये आएगा 17 और ये आ जाएगा 69, 70 और ये 5 75, यानी मैं कह सकता हूं यहां एन की वैल्यू 75 आएगी। आपने कहा 2 क्यों नहीं गिना? मैंने 2 इसलिए नहीं गिना कि हमारे पास अगर पूछा जाए कि 3 और 2 अगर लगातार संख्याओं में कौन ज्यादा होगा, तो आप 2 4 6 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। और जिन लोगों का इतना दिमाग नहीं चलता है, वो मान के चलें कि उनके लेवल के क्वेश्चन नहीं है, उनकी लेवल से थोड़ा सा ज्यादा है, अगर प्रभु थोड़ी बहुत उन पर कृपा करेगा तो उनकी बुद्धि भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इन चीजों को समझ पाएगी, ठीक है ना। हर बात एक बार में समझ में आएगी जरूरी नहीं है, मैं अपने प्रयास कर सकता हूं, आपके अंदर जबरदस्ती मैं उसको घुसेड़ नहीं सकता कि नहीं आपको मैं समझाई दूं, मेरे साथियों मैं प्रयास कर सकता हूं, मैं आपको चीजें बता सकता हूं कि 2 का फैक्टर है तो 2 का फैक्टर कहाँ है? हर एक नंबर के बाद आएगा, इन 1 के डिफरेंस पे आएगा। तो हमने ये देखा कि हमने ये फसल लगी हमारे खेत में, एक पेड़ है जो हर एक दो के बाद, हर एक के डिफरेंस के बाद आएगा। ये हमने क्या है, आम, ये आम के पेड़ लगाए, ये ऊपर लगा रहे हैं हम आम के लगा रहे हैं, ये आम के पेड़ है, आम का मतलब 2। और फिर हमने कहा कि एक हमने ये आम लगा दिया, अमरूद लगा दिया भैया, कि एक अमरूद के भी पेड़ लगाने हैं, तो भैया आप कौन से पेड़ ज्यादा लगेंगे? और ये 3 के डिफरेंस पे, तो आपने कहा पहला कहाँ लगेगा? 3 पे, फिर लगेगा 6 पे और फिर लगेगा 9 पर, ये ऐसे लग रहे हैं। तो मेरे भाई
एक आपने पेड़ यहां लगाया था आम का, ये आम का, ये आम का, ये आम का, ये आम का, तो आप देख रहे हैं अमरूद के तो तीन ही लगे हैं, ये एक दो और ये तीन यहां तक, लेकिन इसके कितने लगे, एक दो तीन चार पांच, ये जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, कम कम दूरी पे लगे हैं, तो जो कम कम दूरी पे मिल जाते हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। इसके बाद मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर हमारा था 15 वाला, यानी ये था हमारे पास फैक्टोरियल 25 टू दी पावर एन, ये क्या था फैक्टोरियल 25 टू दी पावर एन, ये देखिए ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 25 और टू दी पावर ये लिखा हुआ है 15। मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो 15 कैसे बनता है, तो 15 के आपने प्राइम फैक्टर किए तो ये आ जाएगा 3 गुना 5, यानी हमें 3 ढूंढना है 5 ढूंढना है, तो 25 में 3 ढूंढना है, तो 25 में अगर आप 3 ढूंढेंगे तो कितना आएगा 3 गुना 8 24, फिर 3 से किया 3 दूने 6, फिर 3 से जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ एन बराबर कितने नहीं? ये आएगा 10। अगर आपने को 25 में 5 ढूंढेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, तो 5 ढूंढेंगे 5 गुना 1 5, फिर 5 गुना 1 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो साथियों अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये लिखा हुआ हमारे पास 3 की घात, हमारे पास लिखा हुआ है 10 और 5 की घात लिखा हुआ है 15, तो साथियों इसमें कितना बनेगा, तो आपने कहा 3 की घात 5, 5 की घात 5 और बचा हुआ है ये 3 की घात 5, इसको छोड़ दिया, तो ये आएगा 3 गुना 5 की घात 15, और इस तरीके से आप बना ले जाएंगे 15 की घात 5। तो भाई यहां अगर आप एन की वैल्यू देखेंगे तो आपने कहा एन बराबर, वहां से हमने देखा तो एन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 6 कहां आ रही है बेटा, अच्छा 5 की घात 6 आ रही है, 5 की घात 6 आ रही है, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा, तो ये 6 आ जाएगा, 6 आ रही है बेटा, 6 आ रही है, 5 की घात 6, यहां देखेंगे 3 की घात 6 और ये 5 की घात 6 और ये 3 की घात 4 बच गया, इसको अलग कर लिया तो ये आ जाएगा 3 गुना 5 की घात 6 और ये हम कह सकते हैं 15 की घात 6, तो यहां हमारे पास ये मैक्सिमम पावर है वो कितनी आ जाएगी 6, जो मैक्सिमम पावर है वो 6 आ जाएगी। लेकिन भाई मैंने यहां देखा कि 3 छोटी संख्या है, ये 3 क्या है छोटी संख्या, और 5 इसके कंपैरिजन में बड़ी संख्या है, तो अगर आप देखेंगे कि जो छोटी संख्या है वो ज्यादा मिलती है, तो छोटी संख्या 3 है तो 3 के फैक्टर 10 मिल गए, 5 बड़ी है तो 5 के फैक्टर कितने मिलेंगे। अब अगर हमें ये बात समझ में आती है तो मैं एक और क्वेश्चन लिख दूंगा, ये लिखा हुआ है 125 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 15, तो आपसे फिर कह दिया कि एन की मैक्सिमम वैल्यू बताएं, तो भाई मेरे एन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या पूछेंगे आप, तो आप कहेंगे यहां आपने डायरेक्ट डायरेक्ट आप 5 के फैक्टर निकाल लो, डायरेक्ट आप 5 के फैक्टर निकाल लो, क्योंकि 3 की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी 5 के कंपैरिजन में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1, तो भैया यहाँ कितने आएंगे 5, तो 5 आ जाएंगे 31, तो हमारा एन भी 31 आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या चाहिए 15 है और 15 का मतलब कितना आएगा 3 गुना 5। तो भाई मैं ये जानता हूं कि अगर 125 में मैं 3 के फैक्टर देखूंगा तो 3 के फैक्टर हर हाल में 5 के फैक्टरों से ज्यादा आएंगे, हर हाल में 5 के फैक्टरों से ज्यादा आएंगे, हम जानते हैं कि जिनके फैक्टरों की संख्या इस तरह से कम होती है उतने ही 15 बनेंगे। आप अगर चाहें, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप धीरे धीरे सारी चीजों को समझने का प्रयास करें कि मुझे सब क्लियर नहीं होता, कौन ज्यादा आएगा कौन कम आएगा, मैं तो पहले 5 के फैक्टर देख लिए, अब मैं यहाँ 3 के भी फैक्टर देख लूंगा और फिर बच्चों की तरह पूरा करूंगा, मैं किसी की बात नहीं मानता, तो आप कर लेना, तो 4 गुना 3 12, 3 गुना 1 3, फिर आपने कहे 13 गुना 3 39, फिर आपने कहा 3 गुना 4 12, फिर आपने कहा 3 गुना 1 3, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते थे इन सबको, ठीक है ना, ये हो जाएगा 54 54 और 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 54 54 और 5 59, तो मुझे लग रहा है ये 59 होंगे, तो देख बेटा ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, आशा है कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे, ऐसा तो मुझे मानना ही पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, इसके बाद था 12, मैंने कहा कि फैक्टोरियल 24 अपॉन ये, तो फैक्टोरियल 24 अपॉन 12 ये लिखा हुआ था फैक्टोरियल 24 और डिवाइडेड बाई 12 टू दी पावर एन, तो मैंने आपसे कहा एन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मेरे भाई साथी मेरे
यहां देखेंगे 12, तो 12 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 3। यानी हमसे कोई कहता है कि ये 2 की घात 2 और गुना 3 की घात 1। मेरे भाई इसको आप समझ लें कि अगर हमें क्या करना है कि हमें 12 बनाना है, तो 12 का मतलब होता है 2 की घात 2 और गुना 3 की घात 1। अब हमने कहा 12 बनाते कैसे हैं, जैसे मेरे पास कोई कहता है कि ये लिखा हुआ है 2 की घात 35 और ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 की घात 14, ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कितने 12 बनेंगे, तो सबसे पहले भैया इसको ऐसे लिखो 2 की घात 2, यानी इसको 2 से डिवाइड करो। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की घात 2 कितना, 17 दूने 34, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है इससे, ये छोटी पावर दिख रही है, ये कितना है 14। अगर ये 14 है तो सीधे सीधे ये 28 होना चाहिए। तो आपने कहा कि 28, तो ये कितना बच गया, तो 2 की घात 7, क्योंकि ये 35 हो जाएगा। अब आपने कहा इससे कितना बन जाएंगे, क्योंकि हमें 1 3 चाहिए और 2 2 की घात 2 चाहिए। तो भाई अब इसको आप लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 और की घात 14, और इसको लिख सकते हैं 3 की घात 14। फिर आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 3 और की घात 14। तो भाई मेरे आप यहां देखेंगे कि कितने 12 बन गए, तो आपने कहा ये 12 के बन गए कितने, 14 टाइम्स, हाँ या ना। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 2 की घात 41 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 3 की घात, लिखा हुआ हमारे पास ये मान लीजिए 18 लिखा हुआ है, 3 की घात 18 लिखा हुआ है, तो कितने 12 बनेंगे। तो मेरे भाई इसको देखने के लिए आपने कहा कि ये 18 है तो हमें ये 36 चाहिए, तो ये 2 की घात मैंने 36 ले लिया, तब भी हमारे पास 2 कितना बच गया, तो 2 की घात 5। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 18 की घात 18 बन जाएगा। ये कितना है हमारे पास, ये 2 की घात 2 और की घात 18 और गुना 3 की घात 18। इससे हमें अब कोई लेना देना नहीं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुना लिख सकते हैं ये 18, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 12 की घात 18, हाँ या ना। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है 2 की घात 27 और ये लिखा हुआ है 3 की घात, मान लीजिए मैंने कह दिया ये 15। अब आपने कहा कि ये 15 लिखा हुआ है तो ये 30 होना चाहिए, तो बात नहीं बनी। अगर इसको 14 कर ले तो ये 28 होना चाहिए, तब भी बात नहीं बनी। अगर इसको 13 कर ले, अगर इसको 13 कर ले तो ये 26 होना चाहिए। तो भैया 3 की घात 13 और ये लिख लिया 3 की घात कितना, 2 की घात 26। तो अब आपने कहा 3 की घात 2 बच गया और 2 की घात 1 बच गया। तो भाई मेरे इनको अलग कर लिया आपने, इसको मैं अलग लिख लेता हूं, यहां एक और ये ले लेता हूं कि 2 की घात 27 और 3 की घात 15। मैंने आपसे कहा कि इसमें से कितने बनाए जा सकते हैं, इसमें से 15 12 कितने बनाए जा सकते हैं, 12 कितने बनाए जा सकते हैं। तो मेरे भाई यहां अगर हमें 12 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, तो यानी इसकी पावर 1 है तो ये 2 है, तो इसकी घात 15 है तो इसकी 30 होनी चाहिए, नहीं बन रही है। इसकी घात अगर मैं 14 कर दूं तो ये 28 होना चाहिए, नहीं बन रही है। इसकी घात अगर मैं 13 कर दूं, तो इसकी घात 13 कर दूं तो 2 की घात मुझे चाहिए 26। तो आपने कहा है तो कौन बच गया, तो 3 की घात 2 बच गया और 2 की घात 1 बच गया। ये कुछ भी कर लें, ये 18 बना सकते हैं, 12 नहीं। तो हम कह सकते हैं ये 2 की घात 13 और ये आ जाएगा 3 की घात 13। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं 2 की घात 3 और की घात कितना आ जाएगा, 13। तो हो सकता है भाई कि मैं आपको बातें समझा पा रहा हूं, आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि इस तरह से आ रहा है क्या। अब आपसे कहा था कि हमारे पास लिखा हुआ था फैक्टोरियल 24 और डिवाइडेड बाई 12 टू द पावर n, और आपसे पूछा था कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि अब हमने 2 की संख्या देखी कि यहां 2 की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा ये 6, फिर आ जाएगा यहाँ 3, फिर आ जाएगा यहाँ 2, इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये 12 और 6 18, 18 और 4 22 आ रहे हैं, 2 कितने आ रहे हैं 22। अब मैंने आपसे यहाँ देखा कि ये 24 है तो 3 कितना आएगा, तो ये 3 गुना 8 24, 3 दूने आएगा ये 6, तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी। इसके बाद आप 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो ये कितना आएंगे, 10। तो आपने कहा इसमें से 12 कितने बनेंगे भाई मेरे, अगर इसमें 12 कितने बनेंगे, तो आप यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, कि ये लिखा हुआ है 2 की घात 22 और ये लिखा हुआ है 3 की घात 10। तो मेरे साथी ये 3 की घात 10 लिखा हुआ है तो यहां चाहिए 3 की घात 20, तो ये लिख दिया 3 की घात 20, तो क्या बच गया, 2 की घात 2। इसको बंगाल की खाड़ी में फेंक दो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और की घात 10,
और इसको लिख सकते हैं 3 की घात 10। इस तरीके से 2 गुना 3 और की घात 10, यानी आप लिख सकते हैं कि 12 की घात 10। ये चीजें जब आपको समझ में आ जाएगी तो केवल आप यहां से समझ जाते हैं कि कितने बन जाएंगे, तो आपने कहा 12 10 बन जाएंगे। 12 कितने बनेंगे, तो 12 की घात आएगी 10। ये यहां समझ में आ जाएगा लेकिन वक्त लगेगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 10। भाइयों ये क्वेश्चन कभी कभार एसएससी में पूछे गए हैं, अगर आपको लगता है कि इनको समझने का हमारा लेवल है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं छोड़ के आगे चला जाऊंगा। मुझे बताइए कि इन क्वेश्चनों का आपका लेवल है, समझ रहे हैं आप, थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है, क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है, जो भी आपके रिएक्शन है वो जल्दी से बताएं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है इनमें, समझ लगती है। कोई रटी हुई चीजें होती तो आप पहले से जान रहे होते, नई चीजें हैं आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है, आप समझने का प्रयास करिए। चलिए अब हमने कहा कि और कुछ किस तरह के क्वेश्चन लिए थे इसमें, और किस तरह का क्वेश्चन लिया था इसमें, हमने कहा कि हमारे पास ये लिखा हुआ था, फिर मैंने कहा एक 18 दिया था, 30 की घात 30 और 18 का दिया था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 30 और ये डिवाइडेड बाई 18। मेरे साथियों मेरे मित्रों, अब आप देखेंगे 18 का क्या चक्कर है, तो आपने कहा 18 का चक्कर कुछ नहीं है, 18 का मतलब होता है कि ये लिखा हुआ है 2 गुना 3 गुना 3, यानी हम ये कहें कि 2 की घात, यानी हमें 3 डबल चाहिए, हमें 3 डबल चाहिए। तो साहब इसमें देखेंगे हम ये कितना है, तो यहां हमने 2 देखा तो ये कितना आएगा 15, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 1। इनको साहब मैं गिन लेता हूं तो 7 और 3 10 और 11, 11 और 26 आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 26 आ रहा है। अब आपने कहा यहाँ 3 देखिए 30 में, तो मेरे साथियों इसमें अगर मैं 3 देखता हूं तो 3 ये कितना आएगा 10, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो मैंने कहा 3, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 1, तो 3 की संख्या आ रही है यहाँ कितनी 14। 3 की संख्या कितनी आ रही है यहाँ 14, 10 गुना 3 30, 3 गुना 3 9। तो भाई हमारे पास लिखा हुआ है ये कितना लिखा हुआ है 2 की घात 26 और ये लिखा हुआ है 3 की घात 14, हाँ या ना। तो आपने कहा हमें ये क्या चाहिए 2 में, तो मैंने यहाँ लिखा है 3 की घात 2 और की घात 7, तो मैंने यहाँ 2 की घात 7 ले लिया और बाकी 7 है, बाकी 2 है उसको ये बंगाल की खाड़ी में पीछे की तरफ गिरा दिया। अब आपने कहा इसको लिखा जा सकता है 2 गुना 3 की घात 2 और की घात कितना लिखा जा सकता है 7। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास 18 कितने बनेंगे, तो भाई मेरे 18 बनेंगे यहाँ कितने 7। तो आप यहां देख सकते थे कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 7। मेरे दोस्तों आप समझेंगे कि वैसे भी हम लगातार संख्याएं हैं, ये फैक्टोरियल 30 का मतलब 1 से लेकर 30 तक का मल्टीप्लाई, अगर ये 1 से 30 तक का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो मेरे भाई आप ये बात अच्छी तरह से जान लो कि यहाँ 3 की संख्या 2 के कंपेरिजन में कम आई, 3 की संख्या आई है 14 और ये इसकी संख्या चाहिए हमें 26 आई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 हमें कितने चाहिए 2, तो इसका मतलब ये 14 का आधा करेंगे, 14 का आधा करेंगे, यानी क्या है कि ये हमारे पास ये 2 गुना 7, तो यानी कितने बनेंगे, तो हमने कहा 18 7 ही बन पाएंगे। अगर मैं कोई क्वेश्चन लिख देता कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 136 है फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 और आपसे पूछ लिया है कि एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो भाई मेरे लिए अब ये काम कैसे होगा, अब मैं डिटेल में आप लोग करना, डिटेल में आप करेंगे, आप करो करो, मैंने तो बता दिया आपने, तो मैं कैसे करूंगा कि ये लिखा हुआ है 136, मुझे पता है कि 18 का मतलब होता है 2 गुना 3 की घात 2, तो मैंने कहा जो भी 3 आएगा उसको पावर 2 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये देखा कि ये कितना आ जाएगा, तो 3 गुना 4 12 और 3 गुना 5 15,
फिर मैंने 3 से कैंसिल किया तो 15, फिर 3 से कैंसिल किया तो 5, फिर 3 से कैंसिल किया तो कितना आएगा मेरे भाई, 1। आप इनको जोड़ लो बेटा तो ये कितना आएगा, 60, 60 और 6 66। तो मेरे भाई ये 3 की घात 66 लिखा हुआ है ना, अगर ये 3 की घात 66 लिखा हुआ है तो 3 की घात 2 और की घात कितना होगी, ये 33। यानी एन की वैल्यू मेरे हिसाब से 33 आएगी। आप भी इसको 33 करके देखना, आप भी इसको 33 करके देखना, आप भी इसको 33 करके देखना। ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो डिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं ये सबसे कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं, मेरे हिसाब से कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं इसका मतलब आपका लेवल ठीक है, आपका लेवल ठीक है, ठीक है ना। देखिए देखिए देखिए, ये अच्छे क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है कि एसएससी में भरमार पूछी जा रहे, एसएससी में कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीजीएल में भी। लेकिन आपके साथ न्याय करने के वास्ते मैं अपना एफर्ट लगाता हूं कि जो चीजें पूछी जा रही हैं, कहीं भी पूछी जा रही हैं, उन्हें बताया जाना चाहिए। चाहे आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो तो आप उसको सहन करिए, लेकिन चीजों को समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। आपके लिए समझना इनका बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए, तो अब हम वो क्वेश्चनों पर चलते हैं। इतनी हमने इसके बारे में इतनी कहानियां पढ़ी तब हम क्वेश्चनों को करने लायक हो पाएंगे मेरे भाई, नहीं तो हम उन क्वेश्चनों को करने लायक नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन हमारे ऊपर से जा रहे थे इसलिए। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था 31। मैंने कहा था कि 31 को 7 से डिवाइड कर देना है, तो 7 से डिवाइड करना था, ये कितना था, फैक्टोरियल 81 था, और डिवाइडेड 7 to the power n से डिवाइड करना था। या ये कहा जाए कि 7 की अधिकतम घात किससे डिवाइड हो सकता है, तो भाई मैंने कहा था कि आप 81 को सीधे 7 से भाग दे दो, तो ये कितना, 7 × 1 = 7, और फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 × 1 = 11 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड किया तो 7 × 1 = 7। इस तरीके से हमारे पास 7 की पावर कितनी हो जाएगी, यानी 7 की घात 12 से इसको कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, 7 की घात 12 से इसको कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है साहब। इसके बाद मैंने देखा कि अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा था, इसके बाद ये लिखा था 33 था, 33 था, 32 मेरा कहां चला गया, 32 यहां है। ये पहले मैं ये पढ़ लेता हूं, मैं इसी को बता देता हूं सबसे पहले, ये लिखा हुआ है 10। साथियों तो इसको मैंने बता दिया था आपको कि इसको किस तरीके से बताया, तो मैंने कहा ये लिखा हुआ है 157 और हमें 10 बनाना है, तो ये कितना है, 5 और 2। तो मैंने कहा केवल जितने 5 होंगे, जितने 5 हो जाए, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 15, और 5 × 1 = 5, फिर यहां से किया तो ये आ जाएगा 6, फिर यहां से किया तो ये आ जाएगा 1। मेरे साथियों तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 37 और 1 = 38, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 38, क्योंकि यहाँ 2 को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने इसमें 0 होंगे उतने ही 10 की घात से इसको डिवाइड किया जा सकता है। जितने इसके गुणनफल में 0 आएंगे लास्ट में, जितने 0 आएंगे इसके लास्ट में, उतने ही 10 की घात से डिवाइड किया जा सकता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, ये बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। ये भी हो गया, अब इसको हटा दिया, अब ये हो गया है, तो अब आगे चलते हैं कि आगे और क्या बचा हुआ है। चलो तो यहां मैंने देखा है कि ये हमारे पास अब क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो मैंने कहा 2 क्वेश्चन हमारे पास ये पड़े हुए थे कल के, तो ये लिखा हुआ है 84 और ये लिखा हुआ है कितने से, 12 से डिवाइड करने वाला। तो सबसे पहले मैंने 12 से डिवाइड करने वाला पकड़ लिया कि भाई तू आ जा, तुझसे हिसाब करना है बड़ा। अब 12 का मैंने छोटे छोटे क्वेश्चनों पे बता भी दिया है, तो भाई अगर ये लिखा हुआ है कि आपने कहा कि ये लिखा हुआ है 12, तो 12 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 2 × 3। तो सबसे पहले हमने कहा 157,
अगर 157 में अगर मुझे दो ढूंढना है तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 दूने 14, और फिर कितना आएगा 1, और 8 दूने 16, फिर आएगा 3, और ये आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा यहां 19 दूने 38, फिर यहां आ जाएगा हमारे पास 9 दूने 18, फिर आ जाएगा ये 4, फिर आ जाएगा ये 2, फिर आ जाएगा ये 1। ठीक है भाई, अब इन सबको जोड़ दो, और अब हमने कहा 3 की संख्या कितनी है, तो ये आएगा 157। यहां आपने 3 को देखा, 5 गुना 3 15, और 3 दूने 6, यहां 3 को देखा तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3 गुना 1 3, और 3 गुना 17 51 हो जाते हैं। अब आपने कहा ये कितना आएगा, 3 गुना 5 15, और ये आएगा 3 दूने 6, तो भाई मैं इसको अगर ऐड कर लेता हूं ये कितना हो गया, तो ये आएगा 52 और 17 52 और 17 69 69, और ये आ जाएगा हमारे पास 74 74, और ये 1 इतना 6, इनको अगर मैं जोड़ लेता हूं तो 8 और 9 17 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 और 9 हो जाएगा 26 26 और 9 हो जाएगा 35 35, और 4 हो जाएगा 39 40 और 2 42, मुझे लग रहा है 42, और कितना आएगा 4, 7 और 4 11 11 और 3 14 14 और 1 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। एक बार आप जोड़ लेना, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 9 25 25, और 9 34 34, और 8 42 की 2, फिर कितना आएगा 4, 7 और 4 11 11 और 3 14 और 1 15। तो भाई अगर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 2 की घात हमारे पास 152, और ये लिखा हुआ है 3 की घात कितना लिखा हुआ है 76। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन निकला, इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 76, और इसको लिखा जा सकता है 3 की घात 76। तो आपने कहा कितने 12 बन जाएंगे, तो 76 12 बन जाएंगे, 70 कहीं गलती हो रही है, कहाँ हो रही है, वो यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ, वो यहाँ है यहाँ है। तो आपने कहा ये आ जाएगा 3 की घात 75, और ये आ जाएगा 2 की घात 75 दूनी 150। तो भाई इसमें से ये 2 एक्स्ट्रा बच गया 2 की घात 2, लेकिन हमारा क्या आएगा, कितने 12 बन जाएंगे, 75, कितने 12 बन जाएंगे ये 75। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बेटा थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, लेकिन हमें करने पड़ेंगे, हमें करने ही पड़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो चलिए ये हो गया है। मुझे आशा है कि ये आपने कर लिया होगा, मुझे आशा है कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, आशा है कि आपने कर लिया होगा, नहीं तो कर लोगे। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। साथियों पहले ये देखना है, इसमें ये लिखा हुआ 84 से डिवाइड करना है, 84 का मतलब होता है 2 गुना 2। ठीक है ना, और ये आ जाएगा गुना 2 गुना 3, और गुना आ जाएगा 7, 21 गुना 4 84 होता है। भाई मेरे आप देखेंगे तो ये 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 7 की घात, यानी इन लोगों का, जब इन लोगों का समूह बनेगा कि दो कौन से चाहिए, ये 2 बार चाहिए, ये 1 बार चाहिए, ये 1 बार चाहिए। तो मेरे साथियों ये संख्या छोटी है, ये संख्या छोटी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है। तो सबसे कम फैक्टर मिलेंगे वो हमें 7 के मिलेंगे, जो कम से कम 7 के फैक्टर मिलेंगे, बाकी इसके फैक्टर तो भरपूर है, हर जगह घूम रहे हैं, इसके फैक्टर भी ठीक है, लेकिन सबसे कम फैक्टर कितने हैं, 7 के। तो हमें सीधे सीधे क्या देखना है, जो 342 में 7 के फैक्टर कितने होंगे, तो आपने कहा 7 गुना 4 28, कितना बचेगा 6, और 7 गुना 8 56, 7 गुना 8 56, फिर आएगा 7 गुना 6 42, और इस तरीके से ये 7 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 54। तो भैया इस तरीके से हमारे, आपको देखिए वैसे कायदे से तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 चाहिए, फैक्टर ऑफ 3 भी चाहिए, लेकिन फैक्टर ऑफ 2 की संख्या बहुत ज्यादा आएगी, फैक्टर ऑफ 3 की संख्या भी बहुत ज्यादा आएगी, सबसे कम जो फैक्टर होंगे वो 7 के होंगे,
और इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूंगा, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही होंगी, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बेशक ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कठिन मान सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कठिन मान सकते हैं, लेकिन हमें करना है, लेकिन हमें करना है इसकी। यार मुझे लग रहा है क्लियरिटी बहुत खराब आ रही है, क्लियर आ ही नहीं रहा है। नहीं वहां भी देखो ना, बेटा क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आप लोग बताएं जरा कि क्वालिटी में कोई साथियों, आप क्वालिटी के बारे में चर्चा करें कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आपकी क्वालिटी कैसी आ रही है ये बताएं जरा। वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चन 30, 40 सारी की सारी चीजें कर ली हैं। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्या इसमें? ये हमारे पास 34 तो हो गया था, ये वही था, आपको दिख नहीं रहा था शायद, हटा दिया। अब आप देखिए भैया इकाई का अंक, अब सबसे क्या है कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है आपका यूनिट डिजिट। अब जो आपका टॉपिक आ रहा है भैया वो क्या है? यूनिट डिजिट। अब जो टॉपिक आ रहा है आपका वो इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक बताना, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। यानी किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, एडिशन करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, ये चीजें बताना होता है, ठीक है ना? इकाई का अंक क्या आएगा ये चीजें बताना होगा। तो मेरे साथियों अब ये फिर आपके लिए एक नया टॉपिक आ गया, इकाई का अंक। तो इसमें भी बहुत सारी बातें समझने वाली हैं कि कहां इकाई का अंक क्या आएगा, बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन हमें कर सकते हैं इकाई का अंक किस तरीके से आता है ये चीजें समझ लेते हैं, ठीक है ना? आशा है कि इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? यूनिट डिजिट वाला कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, सही कर लेंगे, आगे सही कर लेंगे, ठीक है ना? कर लेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा सही है, क्योंकि वहां लैपटॉप पे देखना और यहाँ बोर्ड पे देखना थोड़ा अंतर आ जाता है। वहां तो सारे चीजें क्लियर दिखती हैं, लेकिन जब यहां से कैमरे के द्वारा आपको दिखाया जाता है तो वहां चीजें बदल जाती हैं। तो क्या जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सबसे पहला मुद्दा तो यही होना चाहिए कि जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो ठीक ठीक समझ में आपको आनी चाहिए। चलिए भाई अब देखते हैं इकाई का अंक क्या है। भाई मेरे इकाई के अंक को चेक करने का जो तरीका है, किस तरीके से चेक करते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा ये लिखा हुआ है 2 गुना 3 गुना 4, ये लिखा हुआ इकाई का अंक क्या है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो भैया ये तो बहुत छोटी संख्या है, हम जोड़ लेंगे, इनका मल्टीप्लाई से किया 6 और 6 का 4 से किया तो कितना आएगा? 24। यानी इकाई का अंक कितना आ गया? तो हमने कहा यूनिट डिजिट पे कितना आ गया? 4। ये बहुत आसान है, हमने कर लिया। लेकिन यही संख्या अगर ये लिखी जाती है, 124 लिखी जाएगी, 126 लिखी जाएगी, 127 लिखी जाएगी, तब मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हमने कहा फिर इकाई का अंक कैसे बताएंगे? तो मेरे साथियों हालांकि आपको पता है कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो इकाई का अंक आ जाता है, लेकिन मैं समझाता हूं कि ऐसे ऐसे करते ही क्यों हैं, कि इस तरीके से हमारी अप्रोच क्यों होती है इकाई का अंक बताने के लिए। कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 124, 125 और 126, ये लिखा हुआ है 125, 126 और ये लिखा हुआ है 127, आपसे कहा इनके गुणनफल के इकाई का अंक क्या आएगा? आपसे कहा है इनके गुणनफल के इकाई का अंक क्या आएगा? तो आपको बताया जाता है भैया कि इकाई का अंक पता करना है तो पहले ये 4 पकड़ लो, फिर ये 6 पकड़ लो और फिर ये 7 पकड़ लो,
इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 24, और ये कितना है 7। अब इसमें से 4 ले लो, इसमें से 7, तो 7 गुना 4 कितना आएगा 28, और 28 की इकाई का अंक कितना आएगा 2। तो इस तरीके से हमारा उत्तर कितना आ जाता है, तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाता है कितना 2। इस तरीके से हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 8, यानी इकाई का अंक आ जाता है 8। मेरे साथियों, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाता है ये बात, देखिए अगर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जाती है तो हम इसको और आसान सी से कर सकते हैं। आपने कहा सीधे सीधे यह करेंगे 6 गुना 4 24, और ये आ गया 7, 7 गुना 4 28, 28 का कितना आ गया 8, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पूछा जाए कि इनकी लास्ट की ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, आपसे कहा जा सकता है कि लास्ट का ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, फिर तो हमें अगर लास्ट 2 डिजिट चाहिए कि अगर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो अगर कोई कहे हमसे कि लास्ट के 2 अंक चाहिए तो क्या करेंगे, तो क्या हम इनका मल्टीप्लाई कर लें क्या, इनका मल्टीप्लाई कर लें क्या, नहीं। ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथियों, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर किसी संख्या को, कोई भी संख्या मान लीजिए ये लिखा हुआ 112, इसको 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 2 आएगा। अगर किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो जो उसका शेषफल आता है और इकाई का अंक इक्वल होते हैं, यानी अगर हम किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, उसका रिमाइंडर और इकाई का अंक एक ही संख्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई संख्या है 1 1 3 5, और आपने कहा कि इसको अगर मैं कहूं कि इसको शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपने कहा यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है, वही हमें क्या बताएगा, रिमाइंडर को बताएगा। तो भाई मेरे यूनिट डिजिट क्या है इसमें, तो आपने कहा 5, और ये रिमाइंडर क्या होगा, तो 5। अगर हम किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं, सॉरी 10 से भाग देते हैं, अगर हम किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, इकाई का अंक रिमाइंडर आता है। ये बात मैंने आपको बताई है, नहीं तो आप यहां देख लो, ये 112 है, इसको आपने 10 से भाग दिया तो ये आएगा 10 गुना 1 10, ये कितना बचेगा 1, और ये आ जाएगा 2। 10 गुना 1 10, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। शेषफल कितना आया 2, ये रिमाइंडर हमारे पास 2 आया है, और यूनिट डिजिट भी कितना था हमारे पास 2। तो अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं, अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो इकाई का अंक आता है। मेरे साथियों, मैंने आपसे कहा कि ये क्या है हमारे पास, तो भाई मैंने ये लिखा हुआ था कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, और ये लिखा हुआ है x, इसको मैंने 10 से भाग दिया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया है, जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, तो रिमाइंडर आया है 7। तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट बराबर किसके होता है, आपने कहा रिमाइंडर के। जब भी हम 10 से भाग देंगे किसी संख्या को, जब भी हम किसी संख्या को 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट के बराबर। तो साथियों, यूनिट डिजिट हमें पूछी हुई है तो रिमाइंडर कितना है 7। तो भाई मेरे, अगर इसका रिमाइंडर 7 आया है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हर हाल में 7 रही होगी। मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ पा रही होगी, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन था, देखिए मेरे साथियों, ये क्वेश्चन था 124 गुना 126, और ये लिखा हुआ था 127। ठीक है मेरे साथियों, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट पूछा है आपसे कि यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। मेरे भाई, अगर आप यहां देखेंगे कि अगर हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में मैंने कहा कि इसको मैं 10 से भाग अगर दे दूं, इसको मैं 10 से भाग दे दूं, तो मेरे साथियों इसको मैंने 10 से भाग दिया तो मैंने रिमाइंडर जो भी आएगा हमारा, तो रिमाइंडर जो भी आएगा वही यूनिट डिजिट को बताएगा। तो यहां 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहां 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6, यहां 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7। आपने कहा अभी भी बात नहीं बनी,
तो आपने इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा हमारे पास 7। फिर 10 से भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा 4। इसलिए फिर मैंने कहा ये आ जाएगा हमारे पास 7 गुना 4 28 बटे 10 और यहाँ कितना आएगा 8। तो फाइनली हमारा जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, तो फाइनली जो रिमाइंडर आया है 8। अगर फाइनली रिमाइंडर अगर 8 आया है तो इसका मतलब हमारा इकाई का अंक भी कितना होगा 8। यानी इसके गुणनफल का इकाई का अंक भी कितना होगा 8, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही हमें इकाई का अंक बताता है। क्या आप लास्ट की संख्या को मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा और 7 रिमाइंडर आएगा, इसलिए हमने 4, 6 और 7 का मल्टीप्लाई किया। फिर हमने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से डिवाइड किया तो ये फिर 4 दे गया, तो 7 गुना 4 28, फिर 10 से डिवाइड किया तो ये 8 दे गया। तो जो लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, उस क्यों का जवाब देने के लिए मैंने आपको ये बात समझाई। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहा करें जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, इससे मुझे पता चलता रहता है कि बात आप तक पहुंच रही है जैसा मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। आप तक बातें पहुंच रही हैं जैसा मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, ठीक है मेरे भाई? तो क्या आपने यूनिट डिजिट वाली बात को समझा अच्छे से कि यूनिट डिजिट किस तरीके से पता करते हैं? तो अगर हमें इकाई का अंक चाहिए तो हम क्या करते हैं, किसी संख्या में 10 से डिवाइड कर दें तो जो शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा वो हमें इकाई के अंक को बताएगा। अगर हमें किसी संख्या का 2 अंक चाहिए, लास्ट 2 डिजिट चाहिए, अगर हमें किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डिजिट चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 डिजिट चाहिए तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे साथियों? अब आपको आ रहा है, तो अब हम यहां से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखे ना दिखे मैं दिखा दूंगा। हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 31 गुना 37 गुना 36 और गुना 46, और गुना लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये 89। आपसे कहा है इनके इकाई का अंक बताओ, तो सबसे पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ जाएगा 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 6 गुना 4, सॉरी इसका इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक। तो आपने कहा इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इनके इकाई के अंक और इनके इकाई का अंक का मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 गुना 6 36, और 36 का इकाई का अंक 6, और ये 9 को हमने जैसा का तैसा छोड़ दिया। अब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 गुना 7 42, 42 का कितना आएगा 2, और ये 9 को 9 छोड़ दिया। अब आएगा 9 दूने 18, तो 18 का कितना आ जाएगा इकाई का अंक 8। तो इस संख्या के इकाई का अंक हमारे पास कितना आएगा 8, इस संख्या के इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास 8, इस संख्या के इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास 8। कोई बात नहीं है बेटा, दिख नहीं रहा है, केवल ये दिख रहा है, ये जो संख्याएं आपको नहीं दिख रही है वो मैंने यहां लिख दी है, ये रही 31 गुना 37 गुना 36 गुना 40 गुना 48, ठीक है दिख जाएंगे। चलिए हम डायरेक्ट ऐसे भी क्यों ना करें, ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं अगर चाहूं तो मुझे ऐसे करना था भाई, मुझे ऐसे करना था। आपने कहा कैसे करना था, तो मैंने कहा मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो 7 7 गुना 6 42 42 का 2, और 6 दूने 12 12 का 2, और 2 दूने 2 गुना 9 18 18 का 8। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी दौड़ता है, आपको लगता है कि हमारा बाकी लोगों से ठीक चलता है, तो आप इसको ऐसे लिखते कितना आ जाएगा, यानी लास्ट लास्ट संख्याओं का मल्टीप्लाई करते जाते और आगे बढ़ते जाते। मैंने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7, फिर आपने कहा ये 7 का मल्टीप्लाई यहां किया तो 6 गुना 7 42 42 का 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 12 12 का 2, फिर यहां किया ये 18 18 का कितना आ जाएगा लास्ट का अंक 8। तो आप इस तरीके से भी उत्तर बता सकते हैं, आप इस तरीके से भी उत्तर बता सकते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है ठीक ठीक?
क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अगर आ रहा है आपको तो आप कमेंट्स करके, सर डिवाइड करेंगे सर, मल्टीप्लाई नहीं। कहाँ कह रहा है बेटा? देखिए आगे, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया टू मेरे भाई, ये आ गया क्वेश्चन नंबर टू। आशा है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये लिखा हुआ है 91, ये लिखा हुआ है 93, देखिए ये लिखा हुआ है 91, ये लिखा हुआ है 93, ये लिखा हुआ है 95, ये लिखा हुआ है 96, ये लिखा हुआ है 97, और ये लिखा हुआ है 98। भाई मैंने कहा कि इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 3 गुना 1 3, फिर इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे किया तो 5 गुना 3 15, 15 का लास्ट अंक कितना आएगा? 5। फिर आपने कहा इसका मल्टीप्लाई इससे किया 6 गुना 5 30, 30 का लास्ट अंक क्या आएगा? 0। फिर मैंने 0 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो 0, यानी 0 हमारा क्या आएगा? यूनिट डिजिट। हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा क्या? 0। क्या ये बात आपको समझ में आ पाई है या नहीं? सबसे पहले मैंने इसके इकाई का अंक मल्टीप्लाई किया, यहां से कितना आ जाएगा? ये 3। 3 का मल्टीप्लाई फिर मैंने इसके इकाई के अंक के साथ किया, 3 गुना 5 15, 15 का कितना आ जाएगा? 5, यानी इकाई का अंक आ गया 5। फिर 5 का मल्टीप्लाई 6 से किया, 30, 30 का कितना आ गया? 0। फिर 0 का मल्टीप्लाई यहां किया तो 0, 0 का मल्टीप्लाई यहां किया 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर हम 0 के चक्कर में फंस गए तो उससे निकल नहीं सकते। देखिए हाँ बेटा बोल दिया होगा तो आपको बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं लास्ट 2 डिजिट निकालने वाले, तो डिवाइड की बात हो रही है। कभी कभार हो सकता है कि मैंने कह दिया हो, तो इतना सीरियसली क्यों ले जाते हो? देखिए जब आपको समझ में आ रहा है कि गलती से कुछ कह दिया है तो उसको आप समझ लिया करो, ठीक है? देखिए मेरे साथियों, ये जो क्वेश्चन करना था इसमें हमने इतना नहीं करना था। हम तो क्या है कि बिल्कुल क्या है कि हमारी तो क्या है कि निगाहें ढूंढती हैं कि कहां हमें कुछ मिल जाए, कहां हमें कुछ मिल जाए कि हमारी कैलकुलेशन बच जाए, कहां है कि कहीं 0 हो जाए। और एक बार गुणनफल में कहीं भी 0 आपको मिल गया तो उसका इकाई का अंक 0 आना तय है। हम सूंघते हुए फिरेंगे कि कहीं 5 मिल जाए, ऐसे ऐसे करते हुए गुणनफल में हम क्या है कि सूंघते हुए फिरेंगे कि कहीं क्या मिल जाए, क्या मिल जाए हमें? कहीं 5 मिल जाए। और 5 का मल्टीप्लाई आप कहीं भी कर दो मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10, 5 का मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे तो 20, 5 का मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे तो 30, 5 का मल्टीप्लाई अगर आप 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो भाई 5 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 40। यानी 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करते हैं हम तो हमें 1 0 के दर्शन हो जाते हैं। 5 का मल्टीप्लाई हम किसी भी इवन नंबर से करेंगे तो हमारे लास्ट में क्या आ जाता है? 0। और एक बार लास्ट में 0 आ गया तो फिर तो क्या है कि कुछ खेल। तो जैसे ही हमारी क्या है कि हमारी दृष्टि बिल्कुल क्या है कि 5 मिल गया और 5 के बगल में ही कौन बैठा है? 6। तो भाई हमारा तो काम बन गया। आपको समझ में आए और चाहे ना आए, तो आपने कहा 5 के बगल में कौन बैठा है? 6। और 5 गुना 6 30 0। अब 0 का मल्टीप्लाई चाहे आप इस तरफ करें और चाहे इस तरफ करते हैं, फाइनली आंसर हमारा 0 आना है। बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है। अगर गुणनफल के लास्ट में, गुणनफल के बीच में कहीं भी 5 और इवन नंबर मिल गया तो वो 30 हो जाएगा, 0 हो गया। और अगर 0 हो गया तो आप कहीं भी इकाई का अंक 0 ही आएगा, ठीक है बेटा? 0 ही आएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसी आशा मैं कर सकता हूं कि बातें आपको समझ में ठीक ठीक आई होंगी, ठीक है ना?
देखिए भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़िए भैया मेरे, ये लिखा हुआ है, हमने कहा कि इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं कि क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा इसका। देखिए कहीं पांच तो नहीं है, आपने कहा कहीं पांच नहीं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 4 = 32 और 7 × 2 = 14 और 4 × 3 = 12। यानी उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। उत्तर कितना आ जाएगा? 2। किसी को भी अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को भी समझने में अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। 8 × 4 = 32 का 2 आ जाएगा लास्ट डिजिट। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 × 2 = 14 का 4 आ जाएगा। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 4 × 3 = 12 का उत्तर कितना आएगा? 2। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आपकी प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए, आपकी प्रतिक्रियाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। उससे हमारा मोटिवेशन मिलता है कि आपको चीजें समझ में आ पा रही है। ठीक है ना, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़ गए हैं तो ये देखिए 4 में क्या लिखा हुआ है साथियों। हमसे कहा गया है, ये लिखा हुआ है, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताओ। सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताओ। देखिए देखिए, जब भी हम सम संख्याओं की बात करते हैं तो हमारे जहन में 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × 14 एंड सो ऑन। तो भाई आपने कहा लास्ट में क्या मिल गया? ये 0 मिल गया। अब 0 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई, 0 का मल्टीप्लाई, 0 का मल्टीप्लाई कहीं भी करेंगे तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो सभी सम संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक 0 आएगा। अगर सभी सम संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सजल कह रहा है कि 2 आएगा। बेटा सजल, आपका दिमाग किस दिशा में दौड़ रहा है ये मैं नहीं जानता, 2 तो ऑप्शन में भी नहीं है। देखिए चलिए आगे की बात करते हैं। आगे देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? तो ये लिखा हुआ है हमसे, आपसे क्या कहा है? तो यहां आपसे कहा गया है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं की इकाई का अंक। ये बात यहां गौर करने वाली है, इसने जोड़ दिया है सभी विषम और अभाज्य। ये विषम और अभाज्य, ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। देखिए अगर हमसे कोई कहता है प्राइम नंबर की बात करता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो भाई मेरे प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइम नंबर की बात करते हैं तो शुरुआत होती है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि ऑड प्राइम नंबर की बात करो, ऑड प्राइम नंबर की बात करते हैं, ऑड प्राइम नंबर की बात करते हैं, विषम अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, तो 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये तो भाई इन्होंने ये बात की है। इन्होंने कौन सी बात की है? तो इन्होंने ये बात की है, ये वाली।
तो आपने कहा कि ऑड नंबर यानी ऑड प्राइम नंबर्स क्या आएंगे, ऑड प्राइम नंबर्स यानी विषम अभाज्य संख्याएं, ऑड प्राइम नंबर्स यानी हमारे पास ये क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं। तो आपने कहा ये कितना आएगा, 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, ये 11 आएगा, ये 13 आएगा, ठीक है ना, 11 आएगा हमारे पास, ये 13 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, एंड सो ऑन। लेकिन आप ये जान लो कि सारी की सारी विषम संख्याएं आएंगी, और किसी भी विषम संख्या का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी विषम संख्या का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी विषम संख्या का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई मेरे लास्ट में 5 ही देगा। किसी भी विषम संख्या का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट का अंक 5 ही देगा। किसी भी विषम संख्या का मल्टीप्लाई अगर 5 से आप करते हैं तो ये लिखा हुआ है 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना, और ये आगे भी दुनिया चलती जाएगी। तो अगर आप किसी भी विषम संख्या का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करेंगे मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 15, 15 का आ गया 5, अब 5 का मल्टीप्लाई 7 से 35, 5 आ गया। बेटा अब क्लास चलने लगी होगी, एक आध मिनट का गैप आ जाता है कभी कभी। अरे बेटा आ रही होगी, अब देखो क्लास आ गई होगी, जरा आ गई हो तो मुझे बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बड़े अच्छे लगते हो ये धरती ये आसमान ये नैना, और तुम आ गई ना साथियों, आ गई ना, चलिए आ गई है ना, चलिए देखते हैं मेरे भाई। तो आपसे कहा था मैंने कि ऑड प्राइम नंबर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं, तो किसी भी प्राइम नंबर में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी प्राइम नंबर में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें लास्ट में 5 ही आएगा, चाहे कितने बार भी आप करके देख लें। तो अगर आपको ये पांचवा क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से कमेंट करके बता दें अगर आपको पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आपका कमेंट महत्वपूर्ण है और आपका ये दायित्व तो बनता है कि जो भी क्वेश्चन आपका हो जाया करे तो आप कमेंट्स करके ये बता दिया करें कि ये चीजें हो गई हैं सर, आगे बढ़िए, ठीक है ना, ये आपका दायित्व तो बनता है कि जो चीजें हो जाएं उसके लिए आपको कहना होगा कि सर आगे चलें, ये चीजें हो चुकी हैं। चलिए मिश्रा जी ने कह दिया है कि ये हो गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5 हो गया है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो साथियों क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात अगर करते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 क्या है, चलिए इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं मेरे साथियों। आपसे कहा है कि 1 से लेके और 99 तक, आपको ये कॉम्बिनेशन ठीक दिख रहा है क्या मेरे भाई, इसके बारे में बता देना कि ये ठीक दिख रहा है क्या, अगर ये ठीक दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ और करेंगे। तो आपसे कहा है 1 से 99 तक की, 1 से और इतने तक की सभी विषम संख्याओं का, सभी अभाज्य संख्याओं का, सभी प्राइम नंबर्स का, आपसे कहा गया है कि सभी प्राइम नंबर्स का, वाह क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 6, ठीक है साथियों। अगर क्वेश्चन नंबर 6 है तो हमें यह समझना होगा इसमें कि आपको क्या बताया है
कि सभी कैसी है, अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ऑल कैसी है, प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स। तो भाई इसमें क्या है, ऑड नहीं कहा है। इसने अगर ऑड नहीं कहा है तो आपको ये समझना होगा कि ऑड अगर नहीं कहा है तो ये आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना, आगे चलेंगे। तो मेरे साथियों जैसे ही इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, ये 5 दूने 10, और 10 का क्या आ गया, 0। और एक बार 0 आ गया तो इसका मल्टीप्लाई आप किसी से भी करते रहो, इसके इकाई के अंक में 0 आएगा ही, इसके इकाई के अंक में 0 आएगा ही। इसके इकाई के अंक में 0 आएगा ही, ठीक है साथियों। आपने कहा कि इसमें क्या है कि ये 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही 5 से होगा तो क्या बना देगा, ये 10, और 10 का क्या हो गया 0। आप 0 का मल्टीप्लाई चाहे आप इस तरफ करें और चाहे इस तरफ करें, जहां तक भी करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, क्या देता जाएगा, ये 0 देता जाएगा। तो फाइनली हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। फाइनली हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। फाइनली हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो भाई आपसे कहा है कि 2 से बड़ी और इससे छोटी अभाज्य संख्याओं का, तो आपने कहा 2 से बड़ी है अभाज्य संख्या कितनी आएगी, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। मेरे भाई लास्ट में क्या आएगी, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम इतना जानते हैं कि ये एक बार 5 आ गया। अब जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल क्या है, कि केवल और केवल अभाज्य संख्याएं 2 को छोड़ दें तो सारी की सारी क्या आएंगी, ऑड आएंगी। तो आप जानते हैं ये सभी की सभी संख्याएं विषम होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी की सभी विषम है, केवल 2 को छोड़ दें। इन ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, यानी अगर हम 2 को छोड़ दें तो सभी की सभी प्राइम नंबर कैसी हैं, तो सभी की सभी प्राइम नंबर हमारी कैसी हैं, ऑड हैं। तो अब आपने कहा ये 15 का 5 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई 35 का, फिर 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई फिर 5 आएगा। तो भाई 5 का मल्टीप्लाई आप किसी भी ऑड नंबर से करेंगे तो फाइनली उत्तर हमारा कितना आएगा, 5 ही आएगा। फाइनली हमारा उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। फाइनली जो उत्तर आ जाएगा वो हमारे पास 5 ही आएगा, ठीक है मेरे भाई। फाइनली जो उत्तर आ जाएगा वो हमारे पास 5 आएगा। आप बता देना, मैं इसको जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत आसान मुझे लग रही है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और प्रयास करूंगा, थोड़ा सा और एफर्ट डालूंगा। मुझे लग रहा है कि ये चीज ऐसी है कि जिसको और ज्यादा खींचने की जरूरत मुझे नहीं लगी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। इसको कहते हैं बोनस के अंक हैं। आपसे कहा है कि इसके योगफल का इकाई अंक क्या होगा, तो मेरे भाई इसको कहते हैं कि ऐसे ही बनाना, समय पास करना। आपने कहा इनको जोड़ दिया, कितना आ गया हमारे पास, 181। 181 के इकाई अंक क्या है, 1। तो ये मजाक है, ये क्या है, मजाक है। आपने कहा इनको जोड़ दिया, कितना आया, 181। तो 181 में इकाई अंक बताएं, तो ये मजाक था। कभी कभी कर लेना चाहिए, इससे खुशी होती है, ठीक है ना। कभी कभी ये भी करना चाहिए, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। तो मैंने भी ये कर लिया है ट्राई, ठीक है साथियों। इसका मतलब क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 1, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बड़े ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहां से थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेंगी, अब यहां से क्या है कि चीजें बदल जाएंगी, यहां से क्वेश्चन समझाने वाले आए, यहां से क्या है कि चीजें समझाने वाली आएंगी मेरे साथियों। यहां से असली जो संख्याएं, असली जो हमारे पास जो स्टार्ट हुआ है वो यूनिट डिजिट यहां से स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चन कराए जा रहे थे वो केवल मजाक थे, उनमें ऐसा कुछ नहीं था जो समझाने वाला था। अगर मैं नहीं भी पढ़ा था तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बना लेते, लेकिन अब यहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको समझना है,
और ये समझ में आ गए तो अभी तक के तो हमारे क्वेश्चन आसान थे ही, आगे की कहानी को आसान बनाने के लिए हमें डिजिट को समझना होगा। डिजिट्स, हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो क्या है, देखिए हमारे पास जो डिजिट्स हैं उनकी चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं। देखिए ये है डिजिट्स यानी अंक, तो आपके पास अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास कितने होते हैं, ये 9 अंक होते हैं। ये हमारे पास कितने हैं, 9 अंक हैं। ये हमारे पास बेटा 9 अंक हैं, इनको समझ लीजिए। तो इनका मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया, ये कर दिया 0, ये कह दिया 1, ये कह दिया 5 और ये कह दिया 6। यानी ये 9 अंक हैं उनको मैंने 3 भागों में बांट दिया, ये 9 अंक हैं उनको मैंने 3 भागों में बांट दिया है। ये जो हमारे 9 अंक हैं उनके 3 तरह के फंक्शंस हैं, 3 तरह की कार्य प्रणाली है, 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। इन 9 अंकों को मैंने 3 भागों में बांटा है, इन 9 अंकों को मैंने 3 भागों में बांटा है। मैंने कहा कि लास्ट में अगर 0 हो, 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6। फिर मैंने कहा अब हमने इसके बाद क्या लिया, तो इसके बाद मैंने लिया किस किस को लिया, तो इसके बाद मैंने लिया 4 को और लिया 9 को, और इसके बाद मैंने लिया 2, 3 और ये 7 और ये 8। इस तरीके से हमारे पास पूरे के पूरे हमारे कितने हैं, 10 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 डिजिट है। ये मैंने क्या है कि 10 डिजिटों को मैंने कितने भागों में, तो ये फर्स्ट हो गया, यहां मैंने सेकंड में केवल 2 लोगों को रखा है, ये सेकंड हो गया। और ये मैंने इनके क्या है कि इनकी क्रिया विधि के आधार पर, इनके फंक्शन के आधार पर मैंने इनको 3 भागों में बांट दिया। यानी ये जो 10 अंक हैं इनको मैंने कितने भागों में बांट दिया मेरे भाई, तो ये जो 10 अंक हैं उनको मैंने बांट दिया कितने में, तो जो 10 अंक हैं उनको मैंने 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, यानी टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। कितने हैं, 10 अंक हैं, 10 डिजिट्स हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल मिलाकर 10 डिजिट हैं। तो मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया। तो आपने का पहला भाग क्या है, तो यानी जो फर्स्ट में आपने रखा हुआ है मेरे साथियों, जो फर्स्ट में आपने 0, 1, 5 और 6, ये बड़े ही, जैसे अगर किसी संख्या का इकाई का अंक कितना है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो आप इस पे कितनी भी पावर कर लो, आप इस पे कितनी भी पावर कर लोगे, तो लास्ट का अंक यहां भी 0 था, इस पे आप कितनी भी पावर कर लो इसके लास्ट का अंक 0 ही रहेगा। यहां भी 0 है और यहां भी 0 है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, अगर किसी संख्या के इकाई का, अब ये संख्या ऐसी भी हो सकती है 1, 2, 5, 1 और 0, आपने कहा इसकी इकाई का अंक इसका क्या कर लें, तो भाई इसका स्क्वायर भी करेंगे तो इसके इकाई का अंक 0 अवश्य आएगा। बाकी ये जो कुछ आएगा वो मैं नहीं जानता, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में 0 जरूर आएगा। तो 0 हमारी एक ऐसी संख्या है कि अगर ये किसी संख्या के इकाई के अंक के रूप में है, अगर ये किसी का यूनिट डिजिट है, तो उसकी पावर कुछ भी कर दो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं 10 है, 10 की घात 1 का 0 आएगा, 10 की घात 2 में भी 0 आएगा, 10 की घात 5 में भी 0 आएगा, ऐसे भी लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 102, ये लिखा हुआ हमारे पास 102, ये अरे
102 लिखा हुआ है और ये जीरो। आपने कहा इसकी घात आपने कर दी 105 कर दो। मेरे भाई आप कितनी भी कर दो लेकिन इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में जीरो ही आएगा। लास्ट में क्या आएगा? जीरो आएगा, लास्ट में जीरो आएगा। ठीक है मेरे साथियों, ये आ गया। अब आपने कहा इसी तरीके से वन है हमारे पास, अगर कोई संख्या चाहे लिखा हुआ है 11 की घात 11 कर दो, इसका एकाएक अंक एक ही आएगा। आपने कहा 51 की घात मैं तो 112 करूंगा, तब भी एकाएक अंक एक ही आएगा। आपने कहा मैं तो 551 का प्रसाद चढ़ाऊंगा और 551 की घात 1101 करूंगा, तो मेरे भाई इसके लास्ट में एकाएक अंक एक है, तो इसकी पावर कुछ भी करेंगे तो लास्ट का अंक कैलकुलेट करने पर यही आएगा। मैंने कहा ये लिखा हुआ है 5105, 5101 है, इसकी घात मैं चढ़ा दूंगा ये 2021, तो भाई इसका भी क्या आएगा? तो इसका भी भाई मेरे एकाएक अंक एक आएगा। यानी ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके एकाएक अंक एक है तो उसकी पावर कुछ भी हो जाए वो एक ही रहता है, एक ही रहता है। ठीक यही बात किसके साथ घटित होती है? तो ठीक यही बात घटित होती है हमारे पास 5 के साथ। आपने कहा 5 की घात 1 कितना आएगा? 5। 5 की घात 2 कितना आएगा भैया? 25। 5 की घात 3 कितना आएगा? तो ये आएगा 125। 5 की घात 4 कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 625। 5 की घात 5 कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 5 की घात 5, 6 गुना 5 30, और ये 3125। जहां तक मुझे लग रहा है यही आएगा, ये आएगा 6 गुना 5 30 और 25 गुना 5 125। अगर 5 की घात 6 करेंगे, याद कर लेना चाहिए इसलिए मैं लिखा रहा हूं इसको, तो अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 625 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 625। तो मेरे साथियों ये आपको याद भी होने चाहिए, कहीं ना कहीं जरूरत आ जाती है। तो 5 की घात 1 करो, 5 की घात 2 करो, 5 की घात 3 करो, 5 की घात 4 करो, 5 की घात 5 करो, 5 की घात 6 करो, यानी 5 की घात कुछ भी करेंगे तो उसके एकाएक अंक 5 ही रहेगा। यानी ऐसी कोई भी संख्या, जैसे मैंने कहा ये लिखा हुआ है हमारे पास ये 551 है, 555 कर दिया, या मैंने कह दिया ये लिखा हुआ है 235 लिखा हुआ और इसकी घात लिख दिया मैंने 2021, मेरे भाई लास्ट में कितना है? 5। और ये लास्ट में अगर 5 है तो इसकी घात कितनी भी कर दो लास्ट का एकाएक अंक 5 ही आएगा, एकाएक अंक 5 ही आएगा, एकाएक अंक 5 ही आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 6 की बात कर लेता हूं कि ये लिखा हुआ हमारे पास 6, भाई मेरे 6 की घात 1 है तो ये 6 आएगा, 6 की घात 2 है तो ये 36 आएगा, 6 की घात 3 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 216 आएगा, 6 की घात 4 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1296 आ जाएगा, ये आएगा 1296। यानी 6 की पावर अगर आप कुछ भी करें, 6 की पावर आप कुछ भी करें लास्ट डिजिट 6 ही आएगा, 6 की पावर आप कुछ भी करें लास्ट डिजिट 6 ही आएगा, 6 की पावर आप कुछ भी करें लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। मेरे साथी अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो क्वेश्चन देखने से हो जाते हैं उनको करा देते हैं। चलिए तो आपने कहा ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 8। अगर मैं क्वेश्चन 9 को अगर आपको दिखा देता हूं मेरे भाई, तो आपने कहा कि क्वेश्चन नंबर 9 को देखने से बनेगा, तो भाई आप देख पाएंगे यहाँ कि इसके इकाई का अंक आप देखेंगे मेरे भाई, तो इकाई का अंक कितना है? 1। और ये 1 की घात कुछ भी करोगे आप तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? 1। तो उत्तर कितना आएगा? 1। यानी पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, जिस संख्या के इकाई का अंक 1 है उसकी पावर कुछ भी हो, जिस संख्या के इकाई का अंक 1 है उसकी पावर कुछ भी हो लास्ट डिजिट हमारी 1 ही आएगी। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। ठीक है मेरे साथियों, इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर अगर देखता हूं कि 10 क्या कहता है, तो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 10 पे भी चलते हैं। तो साथियों अगर आप यहां देखेंगे इसको, तो आपने कहा ये क्या है? तो भाई आपने देखा कि इकाई का अंक कितना है? 5। तो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका इकाई का अंक 5 है, तो पावर कुछ भी हो 5 ही उत्तर आता है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो उसकी पावर कुछ भी हो 5 ही आता है, ये अभी अभी मैंने आपको बताया है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो उसकी पावर कुछ भी हो 5 ही आता है। आपने कहा क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा है? तो 11 है मेरे भाई। 11 पे अगर आप चलते हैं तो 11 क्या कहता है आपसे? तो साथियों 11 को आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास कितना है? ये तो 6 है, और 6 की पावर कुछ भी हो इससे लेना देना नहीं है, 6 की पावर कितनी भी करेंगे लास्ट में 6 ही आएगा, तो उत्तर हमारे पास कितना आ गया? 6। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये मजाक है आपके साथ, ये मजाक हो रहा है, ठीक है ना, ये आपके साथ मजाक हो रहा है। यानी हमने कहा कि 6 की घात कितनी भी हो
छह की पावर कितनी भी हो, अगर किसी संख्या के लास्ट का अंक छह है तो उसकी पावर कुछ भी बनी रहे, इकाई का अंक छह ही आएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 पर अगर आपको ले चलता हूं, तो मेरे भाई इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या है। तो यहां से कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर। आप खुश रहे, जो भी परेशानियां हो उनको बताते रहे, उनको सॉर्ट आउट करते रहे, खूब पढ़ते रहे। चलिए, कर फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।